Hello everyone, today we will study about laser printer. So laser printer basically अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं हमारे पास. जैसे कि अगर आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए होता है तो लेजर प्रिंटर कैन बी बॉट फॉर स्मॉल पर्सनल वंस, मीन्स स्मॉल साइज का आप लेजर प्रिंटर परचेज कर सकते हो इफ़ यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रिंटर इन योर होम. अगर अगर आपको वो पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो आप स्मॉल साइज का लेज़र प्रिंटर परचेज कर सकते हो. और अगर आपको किसी बड़े ऑफिस में, कंपनी में या बिग बिजनेस के लिए, लार्ज बिजनेस के लिए अगर वो प्रिंटर का ज़रूरत है तो आप लार्ज साइज का भी लेज़र प्रिंटर खरीद सकते हो. सो इट कम्स इन डिफरेंट साइज अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़. जैसे इसका यूज़ है उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग साइज का आता है, राइट. लेज़र प्रिंटर हम लोगों को हाई क्वालिटी प्रिंट प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स द हाइएस्ट क्वालिटी प्रिंट्स, मीन्स लेजर प्रिंटर का जो प्रिंटिंग क्वालिटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, राइट. और ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इंकजेट प्रिंटर से. जो हम पिछले लेक्चर पे देखे थे इंकजेट प्रिंटर्स, उससे थोड़ा ये महंगा माना जाता है. सो नेक्स्ट वी हैव लेजर प्रिंटर, वर्किंग ऑफ लेजर प्रिंटर, कैसे ये काम करता है, लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है. सो इन फिगर यू कैन सी, है फिगर पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे लेज़र है, राइट, जो यहाँ से क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से सप्लाई करेगा, डिस्चार्ज करेगा. जैसे कि आप देख रहे हो ये नेगेटिव नेगेटिवली इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से ये क्या करता है, डिस्चार्ज कर रहा है. और ये है रिफ्लेक्टिंग मिरर, राइट. ये रिफ्लेक्टिंग मिरर से क्या होगा, वो चार्ज रिफ्लेक्ट होकर हमारा कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रम में जाएगा. ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रम है, ठीक है. ये रोटेटिंग ड्रम है, ये रोटेट होते रहता है, मीन्स घूमते रहता है, राइट. और यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्म होने वाला है, ये लेज़र बीम जो है, मीन्स नेगेटिव चार्ज जो है, जो लेज़र के थ्रू यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, ये क्या करता है, ये जो भी इमेज प्रिंट होने वाला है वो इस ड्रम में ही, ये लेज़र बीम क्या करता है, इस ड्रम में ही वो इमेज को क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है, राइट. ये जो ड्रम है हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ड्रम, तो इसमें क्या होता है, ये रोटेटिंग ड्रम में ही ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, लेज़र बीम जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे इमेज फॉर्म कर देता है, इमेज प्रिंट कर देता है इसमें ड्रम में, राइट. उसके बाद क्या होता है कि इसके बगल में जो टोनर लगा हुआ है ना, ये टोनर एक डिवाइस होता है हमारे प्रिंटर के अंदर, जिसमें एक ब्लैक रंग का पाउडर होता है, राइट. वो क्या करता है कि वो इमेज में ये टोनर को क्या करता है, पेस्ट कर देता है. जैसे कि ये टोनर क्या करेगा, टोनर रिलीज करते जाएगा, ये टोनर वाला यहाँ पे जो आप ड्रम देख रहे हो, ये टोनर रिलीज करते जाएगा. और ये जहाँ जहाँ इमेज सटा हुआ है ना, मीन्स इमेज इस ड्रम में जहाँ जहाँ बना हुआ है, या फिर जहाँ जहाँ वो टेक्स्ट या इमेज बना हुआ है जो प्रिंट होने वाला है पेपर में, वहाँ वहाँ जैसे कि आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हो लाइन लाइन ब्लैक रंग का, सो दैट इज टोनर. तो ये क्या हुआ, जो जहाँ जहाँ इमेज, जैसे कि ये लाइनिंग लाइनिंग इमेज है जो ये लेज़र की वजह से बना हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्टक हो गया, मतलब जाके वहाँ पे वो पेस्ट हो गया, सट गया, राइट. अब ये रोलर्स है, ये क्या है, रोलर्स है, इसके अंदर से पेपर क्या होता है, पास होता है. तो जैसे धीरे धीरे पेपर यहाँ से पास हो जाएगा ड्रम के पास से, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, राइट. यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा. तो जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे ही ये सारा टोनर कहाँ हो जाएगा, ये पेपर में प्रिंट हो जाएगा. तो प्रिंट होने के बाद आपको इस तरह का पेपर मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो प्रिंटेड पेपर. तो इमेज क्या था, लाइन्स था, राइट. तो आप देख रहे हो पेपर यहाँ पे ब्लैंक था, और प्रिंट होने के बाद यहाँ पे लाइंस जो है वो प्रिंट हो चुका है, राइट. सो इस तरह से हमारा लेजर प्रिंटर जो है वो काम करता है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ प्रिंटर, विच इज थर्मल प्रिंटर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लेजर प्रिंटर. थैंक यू.